स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। व्यंगम योगी नहीं कहता कि मन को परमात्मा में लगा दो। मन परमात्मा तक कहां जाने वाला है? परमात्मा के पास आत्मा की पहुंच है, क्योंकि ये दोनों सजातीय हैं, दोनों में चेतना है। जैसे परमात्मा चेतन है, वैसे वैसे आत्मा चेतन है। परमात्मा की चेतना संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, वो विभू चेतना है, वो व्यापक चेतना है, वो विराट चेतना है। और आत्मा अणु चेतना है, एक देशीय चेतना है। जब हम अपनी अणु चेतना का विकास करते हैं, उस व्यापक चेतना, उस विभू चेतना, उस विराट चेतना के साथ हमारा तादात्म्य होता है, संबंध होता है, जिसे योग कहते हैं, जिसे भक्ति कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या हमें भक्ति के यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित करती, भक्ति के यथार्थ स्वरूप का बोध ये ब्रह्म विद्या कराती कि भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति है क्या, ये तो ब्रह्म विद्या बतलाती है, ये तो विहंगम योग बतलाता है। शरीर वाणी बुद्धि इंद्रियों के द्वारा मानव जो कुछ भी करता है वो कर्म होता है। आज व्यक्ति करता है कर्म और वो ये समझता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। आज ये बड़ी गड़बड़ी हो गई है। मानव करता है कर्म और वो ये समझता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो कर्म और भक्ति ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं। कर्म शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा, बुद्धि विचार के द्वारा संपादित हो रहा है, और भक्ति आत्मा का विषय। जब स्वयं का ज्ञान होगा, जब आत्म ज्ञान होगा, जब आत्मा प्रत्यक्ष होगी, जब मानव स्वयं में स्थित होगा, तभी आत्मा के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति, उस परमात्मा की उपासना, भजन तभी घटित होती है। तो इस सिद्धांत के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जो भी विहंगम योग परिवार के सदस्य हैं, इस सिद्धांत को पुष्ट करें कि ब्रह्म विद्या, विहंगम योग भक्ति के यथार्थ स्वरूप में मानव को प्रतिष्ठित कर देता है। विहंगम योग बतलाता है कि भक्ति क्या है, ये ब्रह्म विद्या का विषय है, ये विहंगम योग का विषय है। ये हमारा आपका कर्तव्य है कि भक्ति के इस यथार्थ स्वरूप को हम जन जन तक पहुंचाएं, हम ये बताएं कि आप जो भी कर रहे हैं, शरीर मन बुद्धि वाणी के द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाते हैं, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियों में, कर्म कांडों में संलग्न हैं, नाना प्रकार के व्रत जप उपवास तीर्थाटन, नाना प्रकार की इस बाह्य पूजा में लगे हैं, जड़ उपासना में लगे हैं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में संलग्न है, ठीक है, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये कर्म है। चलो भैया, ये मान लेते हैं कि ये शुभ कर्म है, लेकिन शुभ कर्मों को भी भक्ति नहीं कहा जा सकता। हाँ, शुभ कर्म है, फल प्राप्त करेंगे शुभ रूप में, अशुभ कर्म है, अशुभ रूप में फल प्राप्त होगा, दोनों फलदायी होगा। जिस प्रकार शुभ का फल शुभ है, उसी प्रकार अशुभ का फल अशुभ रूप में प्राप्त होगा। तो ये कर्मों का संसार है। कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। ये कर्तव्य हमारा आपका है। हम बताएं, इस सिद्धांत को पुष्ट करें कि जो भी ये बाह्य पूजा है, जो भी तीर्थाटन है, व्रत जप उपवास, नाना प्रकार के ये कृत्य हैं, ये सब शुभ कर्म हैं,
लेकिन भक्ति नहीं है, यह भक्ति से भिन्न वस्तु है। शुभ कर्मों को भी भक्ति नहीं कहा जा सकता, भक्ति आत्मा के द्वारा होती है, भक्ति आत्मा का विषय है। जिसे स्वयं का ज्ञान नहीं वो क्या भक्ति करेगा, किस आधार पर भक्ति करेगा? मनवाणी बुद्धि इंद्रियों के आधार पर तो कर्म होते हैं जिसका फल प्राप्त होता है। तो विहंगम योग की भक्ति कब होती है? तब होती है जब स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है और स्वयं के ज्ञान के पश्चात आत्मा में स्थित होकर उस परमात्मा की भजन भक्ति उपासना योग होता है। तो भक्ति का यथार्थ स्वरूप ये ब्रह्मविद्या बतलाती है, ये विहंगम योग बतलाता है। इस प्रकार से अथाह सागर है, ज्ञान का अद्भुत अथाह सागर है। और वाणी के द्वारा हम जितना भी व्यक्त करते हैं वो बड़ा अल्प और बड़ा ही सीमित होता है। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम सेवा सत्संग और साधना से कभी दूर न रहें। स्वरवेद कथामृत के अब विराम के क्षण हैं, जाते जाते मैं आपको स्वरवेद की दिव्य वाणियों के साथ छोड़े जाता हूं। घड़ी की सुई अब विराम का संकेत कर रही है। स्वरवेद की ये वाणियां तन मन की कलुषता को दूर करे और हम ब्रह्म विद्या के प्रकाश में, विहंगम योग के प्रकाश में अपने जीवन को सदैव उत्थान प्रगति आध्यात्मिक कल्याण की तरफ अग्रसर करते रहें। चलते हैं हम अब स्वरवेद में और तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। छिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। छिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम छिति पर जा। पर समुंदर जा, सीख बूंद सम जगत सुख कैसा समुंदर जा। परमानंद को किमी कहूं, सत्य वचन नहीं ज्ञान। परमानंद को किमी कहूं, सत्य वचन नहीं ज्ञान।
अधिक आनंद है हो काया पैबो हम क्या पूछो मधु कृषा जो सब सुख का मूल हम क्या पूछो मधु कृषा जो सब सुख का मूल समर्पण प्रभु करो त्याग सकल अभिमान समर्पण प्रभु करो त्याग सकल अभिमान बल निधि बल पूरण करे सुधि सुबोधस ज्ञान बल निधि बल पूरण इस प्रकार से यह विहंगम योग का पथ आनंद का पथ है, यह शांति का पथ है, यह जीवन मुक्ति का पथ है, यह आत्मा के कल्याण का उद्धार का महापथ है, महायोग है, जिसके द्वारा असीम शांति परमानंद का अनुभव साधक प्राप्त करते हैं। इस प्रकृति का केवल अस्तित्व है, ये जो प्रकृति है ये सत है, जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है, परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व है, चेतना है और आनंद है। आनंद का वह सागर है, वह परमानंद है, इसमें साधक अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। सीक बूंद सम जगत सुख कसा समुंदर जान परमानंद को किमि कहूं सक्य वचन नहीं ज्ञान। संसार का सुख तृण के एक बूंद के समान है और वह जो कसा है, वह जो परमात्मा है, वह समुद्र के समान है, अथाह सागर है आनंद का, परमानंद का। लौह अग्निवत ब्रह्म के साधर्म को आत्मा प्राप्त करती है, उस आनंद का अनुभव आत्मा प्राप्त करती है, अपने अस्तित्व को मिटाकर नहीं, उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है क्योंकि अनुभव करना उसका स्वभाव है, चैतन्यता उसका स्वभाव है। तो हम विहंगम योग की इस क्रियात्मक साधना के द्वारा अपने मन को संयमित करें, अपने मन को नियंत्रित करें, मन को शुद्ध करें, पवित्र करें, मन को उसके कारण में लीन करें, स्वयं का ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा का अनुभव प्राप्त हो और आत्मा के प्रकाश में उस परमानंद का आनंद अनुभव, वह अवस्था जीवन मुक्ति की, परमानंद की वह अवस्था हमें प्राप्त हो। तो यह महाविज्ञान है, आध्यात्मिक जीवन के निर्माण का साधन है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो भी कर्तव्य हैं हमारे, घर परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी चेतना का विकास करना है, इस पथ पर चलना है, इस आनंद के पथ पर, इस शांति के पथ पर
सदैव अग्रसर रहना है, इसके लिए तीन मार्ग स्वर वेद में बतलाए गए, वे है सेवा, सत्संग और साधना। तो सेवा, सत्संग और साधना का अभाव नहीं रहना चाहिए, ये विहंगम योग का प्राण तत्व है, विहंगम योग का आत्म तत्व है। यही संदेश है सद्गुरु का कि सेवा, सत्संग और साधना, इसका अभाव कठिनाइयों को उत्पन्न करता है, समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। सेवक समस्त अभिमान अहंकार को नष्ट कर शुद्धता को, पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। वाणी, बुद्धि, विचार, तन, मन, धन, सेवा के अनेक प्रकार जो साधक को अहंकारों से दूर ले जाते हैं, अभिमान से दूर ले जाते हैं। सेवा का विधान इसीलिए है कि उसका अभिमान अहंकार नष्ट हो जाए, इसीलिए सेवा का महत्व, इसकी महत्ता बतलाई जाती है। सत्संग का भी अभाव ना हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिज्ञासाओं का अभाव ना हो, कुछ जानने, आत्मसात करने का सदैव प्रयत्न होना चाहिए। स्वर वेद का अभाव ना हो, संत सदगुरु का अभाव ना हो, सदैव ज्ञान का यह प्रवाह हमें नई ऊर्जा, नई शक्ति से अनुप्राणित किए रहे। ज्ञान का यह प्रवाह, सत्संग का यह प्रवाह सदैव हमारी चेतना को विशेष मंडल में स्थित किए रहे, हमारे विवेक को जागृत किए रहे, ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में हम विचरण करें, क्योंकि सत्संग से यह ज्ञान, यह विवेक ही जागृत हो जाता है। सदगुरु सदाफल देव रचित स्वर वेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्म रंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सदगुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 09956118770, 05322567204,